ये रहा स्टेन, ये पूरा व्हाइट शर्ट है। अगर मैं इसको डायरेक्ट पानी में वॉश करूंगा, ये देखो मुझे वॉश करना है इसे, बट इसको पहले ही पानी में वॉश करूंगा तो ये दाग निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी या जल्दी जाएगा नहीं। तो ऐसे स्टेन को ड्राई में ही पेट्रोलियम केमिकल से, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, थिनर हो गया, इससे इसको इस तरह से निकाल लेना है। एक पत्थर का टुकड़ा डाल देता हूँ मैं अंदर, मतलब मेरे को घिसने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ओके, ये रहा आपका स्टेन। क्योंकि अगर पानी लग जाता है ना तो ये जल्दी जाता नहीं है, सेंट बचा है। ओके, बट बहुत सारा तो क्लीन हो ही गया है। इसको हम साफ कर लेते हैं पहले। तो देख लीजिए अच्छे से क्लीन हो गया है, ये निकाल लेता हूँ। अच्छे से क्लीन हो गया, अभी वॉश करने के बाद में तो ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। और पूरा शर्ट बहुत ज़्यादा डर्टी है, गर्म पानी में ब्लीच में इसको वॉश करेंगे सोडा या डिटर्जेंट के साथ में। तो ये भी देख लीजिए, पहले तो ये है, इसके ऊपर ये डिज़ाइन है और ये इसका नंबर है। धुलने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ये राइट कलर, राइट साइड की आस्तीन में है दाग, सूखने के बाद में हमें और अच्छे से समझ में आएगा। बने रहिए दोस्तों। तो ये रहा हमारा शर्ट, अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम बढ़िया से वाइट हो गया है। और यही पे कही था वो स्टेन, 100% क्लीन हो गया। अगर यही स्टेन में डायरेक्ट अगर वॉश करता ना तो जाता नहीं जल्दी, उसको अगर MTO से पहले क्लीन कर लो, ड्राई क्लीनिंग कर लो, फिर उसके बाद में उसकी वॉश करोगे तो स्टेन 100% क्लीन हो जाएगा। बाकी पहले पानी लग जाता है ना तो जल्दी जाता नहीं है स्टेन। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।